एंशियंट पोइम्स में कहा जाता है कि किस्मत के खुद के प्लान्स होते हैं। एक इंसान को सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए और वो है अपने दिल को सभी इंसानी इच्छाओं से दूर रखना। हालांकि इस रूल को इस्तेमाल करके इंसानों को सिर्फ रोका जा सकता है। 16 साल की उम्र में ही हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट की बॉडी जो है वो हेवन डिफाइंग बॉडी है। वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और हेवन रियलम में होने के बाद भी वो ग्रेटर परफेक्शन के साथ कल्टिवेट कर सकता है। जेंग रुओचेन, जिसके फादर कुनलुन फील्ड के 9 एम्परर में से एक एम्परर होते हैं, उनका नाम एम्परर मिंग होता है। रुओचेन रोज की तरह अपनी प्रैक्टिस करता है। रुओचेन को विश्वास होता है कि इस टैलेंट के साथ किस्मत उसका कुछ नहीं कर सकती। रुओचेन अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को प्रैक्टिस करता है। रुओचेन की शॉर्ट स्किल्स को देखकर पीछे से एक लड़की उसे कहती है, तुम्हारी शॉर्ट स्किल्स जो हैं, वो फिर से इम्प्रूव हो चुकी हैं। रुओचेन पीछे मुड़ता है एंड उसे पता चलता है कि वो लड़की शियाओ है। शियाओ के फादर भी रुओचेन के फादर की तरह कुनलुन के 9 एम्परर में से एक एम्परर होते हैं, उनका नाम एम्परर क्विंग होता है। रुओचेन शियाओ से बचपन से ही प्यार करता आया है और शियाओ उसकी मंगेतर भी है। बचपन से लेकर अब तक वो दोनों साथ में ही मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। यहाँ तक कि सभी लोग ये कहते हैं कि शियाओ एंड रुओचेन की जोड़ी जो है वो एकदम परफेक्ट है। रुओचेन शियाओ के साथ अपनी मैरिज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। रुओचेन शियाओ को वहाँ पर देखकर कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि आज तुम यहाँ पर आने वाली हो। शियाओ रुओचेन के पास जाती है एंड उसके गले मिलकर उसे चाकू से मार देती है। अपने आखिरी पल्लों में रुओचेन कहता है, लेकिन क्यों, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता था, आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? जैसे जैसे रुओचेन की आंखें बंद होती हैं, तो वो अपनी स्टोरी बताता है। रुओचेन कहता है कि जिस लड़की से वो बचपन से प्यार करता हुआ आया है वो अचानक से बदल चुकी है। रुओचेन चिल्लाता है, शियाओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आँख खुलती है एंड वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर पाता है। असल में रुओचेन अब वो सेम व्यक्ति नहीं रहा था जो कि वो 800 साल पहले था। रुओचेन के कमरे का दरवाजा खुलता है एंड कमरे के बाहर से एक वुमेन आती है एंड रुओचेन से कहती है, क्या तुम्हें आज भी बुरा सपना आया? रुओचेन उठता है, मुस्कुराता है एंड कहता है, नहीं आप चिंता मत कीजिए, वो सिर्फ एक सपना था। कॉन्क्यूबाइन लिन, जो कि रुओचेन की मदर होती हैं, वो कहती हैं, आखिर मैं तुम्हारे बारे में चिंता क्यों ना करूं? जब से तुम छोटे थे तब से लेकर अब तक तुम बीमार ही रहे हो। इस बार तो तुम इतने बीमार हो गए थे कि तुम अपने बेड को भी नहीं छोड़ पाए थे। अगर तुम में कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लिन को चिंता में देखकर रुओचेन खुद से कहता है, जो वुमन मेरे अभी सामने खड़ी है वो इस लड़के की माँ है जिस लड़के की बॉडी के अंदर अभी मैं हूँ। उनका असली बेटा जेंग रुओचेन जो है वो 3 दिन पहले ही मर चुका है। लिन रुओचेन को उसकी दवाई देती है। रुओचेन लिन की स्केयर को देखकर कहता है, मैं जो कि दोबारा से पैदा हुआ हूँ वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है, लेकिन जब से मैं उठा हूँ तब से वो नॉनस्टॉप मेरा ध्यान रख रही है। रुओचेन अपनी मेडिसिन को लेता है, उसमें वो अपनी शक्ल को देखता है एंड कहता है, मैं पिछले जीवन में कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल पाया। उस बॉडी में दोबारा से जन्म लेना जो कि मेरी नहीं है, उसने असल में मुझे इस चीज को एक्सपीरियंस करने दिया है कि एक माँ का प्यार कैसा होता है। रुओचेन जैसे अपनी दवाई को लेता है, अब तभी उसकी मदर उसे कहते हैं, तुम्हें इन सपने को आते हुए 3 दिन हो चुके हैं, जब भी तुम इन बुरे सपनों से उठते हो तब तुम शियाओ का नाम लेते हो, आखिर वो कौन है? रुओचेन इस चीज का जवाब नहीं देता, वो शॉक में होता है। अब अचानक से उनके दरवाजे पर बाहर से शोर आने लगता है। जिस जेड पैलेस में रुओचेन होता है उसके बाहर काफी ज्यादा सैनिक होते हैं। जो उस पैलेस की मेड सर्वेंट होती है जिसका नाम यूनर होता है, वो जैसे उन लोगों से पूछती है कि उनको पैलेस के अंदर आने की परमिशन किसने दी, तभी एक आदमी यूनर को जोर से पंच मारता है जिससे यूनर पीछे जाके एक पिलर से टकराती है एंड उसके मुँह से खून आने लगता है। जिस आदमी ने ये काम किया होता है वो यूनवू कमांडरी प्रिंस एंड कॉन्क्यूबन शियाओ का बेटा होता है। वो यूनिट से कहता है, आखिर तुम जैसे एक मेड प्रिंस मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? बाहर के हंगामे को होता देख कॉन्क्यूबाइन लिन बाहर आती है एंड यूनिट से पूछती है, आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लिन सामने देखती है तो उसे पता चलता है कि ये काम 8th प्रिंस ने किया है। लिन 8th प्रिंस से कहती है, ये जेड पैलेस है 8th प्रिंस, चाहे तुम एक प्रिंस भी हो उसके बावजूद भी तुम ऐसे ही इसके अंदर नहीं आ सकते। इस बात को सुनकर 8th प्रिंस हंसता है एंड कहता है, मुझे क्वीन ने कमांड दी है कि मैं आपको और मेरे 9वें भाई को जीआई साइड हॉल में मूव कर दूं। आज से जेड पैलेस जो है वो मेरा और मेरी बायोलॉजिकल मदर कॉन्क्यूबन शियाओ का होगा। 8th प्रिंस की इस बात को सुनकर लिन के पास कोई और चारा नहीं होता और उसे इस चीज को ना मानते हुए भी मानना पड़ता है। लिन यूनियर को अपने साथ अंदर लेकर जाने लगती है एंड 8th प्रिंस से कहती है, हम कल यहाँ से जीआई साइड हॉल में चले जाएंगे। ये सुनकर 8th प्रिंस उसे रोकता है एंड कहता है, मेरी मॉम ने कहा कि उन्हें आज ही जेड पैलेस के अंदर आना है, इसीलिए तुम लोगों को अभी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर लिन हैरान हो जाती है
एंड कहती है, लेकिन एर्थ प्रिंस आपको पता है कि आपका नाइन्थ ब्रदर जो है उसकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब है, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है और बाहर तो बहुत ज्यादा ही ठंड है। लिन एर्थ प्रिंस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एर्थ प्रिंस उसे कहते हैं, लिन बाहर इस दुनिया में काफी ज्यादा गरीब लोग हैं जो कि ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन वो सभी लोग मदद के लायक नहीं हैं। अगर मेरा नाइन्थ ब्रदर इतना ही ज्यादा कमजोर है तो उसका जिंदा रहने का क्या फायदा। इस बात को सुनकर लिन के आंसू आ जाते हैं एंड वो रोते हुए एर्थ प्रिंस से कहती है, लेकिन वो तुम्हारा भाई है। रोज एंड को भी बाहर की सारी चीजें अंदर तक सुनाई देती हैं। वो अपनी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ को यूज करके बाहर आता है एंड अपनी मॉम से कहता है, आपको उनसे भीख मांगने के लिए कोई जरूरत नहीं, हम अभी ही यहाँ से चले जाएंगे। रोचन को बाहर देख लिन रोचन के पास जाती है एंड कहती है, आखिर तुम बाहर क्यों आए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तुम अंदर जाओ। रोचन कहता है, मॉम हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, एक दिन हम यहाँ पर वापस आएंगे। लिन इन सभी चीजों से काफी ज्यादा उदास होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वो उस चीज को लेकर कुछ नहीं कर सकती थी। उन लोगों को एर्थ प्रिंस के सामने झुकना पड़ता है एंड बाहर इतने ज्यादा बर्फ पड़ने के बावजूद भी वो लोग उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। जाते हुए रोचन उस एंशिएंट पोएम को याद करता है जिसमें लिखा था कि किस्मत के खुद के प्लान्स होते हैं, एक इंसान सिर्फ एक ही चीज कर सकता है और वो है अपने दिल को सारी इंसानी इच्छाओं से फ्री करना। रोचन कहता है, मेरी पुरानी जिंदगी में कभी ऐसे कड़वे पल नहीं आए, ये बताना भी मुश्किल नहीं कि कॉन्क्यूबाइन लिन जो है वो कम्प्लीटली अपनी पावर को खो चुकी है। इतनी ठंड में माँ बेटे को जाता देख सभी लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। रोचन खुद से कहते हैं, अब हमारे लिए युनवू कमांडरी प्रिंस के पैलेस में अपने पैरों पर खड़ा होना काफी मुश्किल है। रिस्पेक्ट, रिसोर्स एंड कनेक्शन, इस बेरहम कंपटीशन वाली दुनिया में जो लोग स्ट्रांग होते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है और जो लोग कमजोर होते हैं वो अपने हिस्से के लिए नहीं लड़ पाते और इसीलिए वो अपने आप को सिर्फ मौत की राह पर ही पाते हैं। जिस घर के अंदर रोचन एंड लिन को रहना होता है वो घर काफी ज्यादा पुराना होता है, वहां पर लाइट्स नहीं होती, इसीलिए लिन वहां पर एक मोमबत्ती को जलाती है। रोचन अपनी मॉम से कहता है, कल वर्शिप की सेरेमनी है ना, इस बार मुझे सेक्रेट मार्क जो है वो सेरेमनी में जरूर मिलेगा ताकि मैं एक वॉरियर बनके अपने आप को प्रूव कर सकूं। मार्क या फिर बोले दिव्य मार्क, मार्क एक ऐसी चीज होती है जो कि भगवान के द्वारा इंसानों को दी जाती है ताकि वो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर सकें। जो लोग सेक्रेट मार्क को ओपन नहीं करते हैं वो लोग कभी भी जेन्युइन पीक को कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वो इस दुनिया के लीडर नहीं बन पाएंगे। एर्थ प्रिंस को सेक्रेट मार्क तब मिल गया था जब वो 10 साल का था और अब वो येलो रियलम के एडवांस स्टेज पर है और एक यंग वॉरियर है। रोचन की इस बात को सुनकर रोचन की मॉम लिन उसे कहती है, रोचन अब 16 साल का हो चुका है लेकिन उसे अभी तक सेक्रेट मार्क नहीं मिला। 16 साल का हो जाने के बाद सेक्रेट मार्क का मिलना नामुमकिन होता है। 16 साल के बाद कल्टीवेशन की बेस्ट एजेस मिस हो जाती हैं, जिससे ज्यादातर अचीवमेंट्स जो हैं वो नहीं बन पाती। हालांकि लिन को ये सब चीजों के बारे में पता होता है लेकिन इसके बावजूद भी रोचन का मन रखने के लिए वो उसे कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है। अब लिन रोचन को वहीं पर छोड़कर आगे जाने लगती है। जाते हुए रोचन से लिन कहती है, तुम्हें अभी के लिए रेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमें कल वर्शिप की सेरेमनी भी अटेंड करनी है। ये सुनकर रोचन कहता है, आपको भी जल्दी जाकर रेस्ट करना चाहिए। जाते हुए लिन रोचन से कहती है, ओह हाँ मुझे याद आया, आखिर ये चियाओ कौन है जिसका नाम तुम अपने सपनों में लेते रहते हो। रोचन इस बात को सुनकर अपनी मॉम से कहता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपने जरूर गलत सुना होगा। ये सुनकर लिन कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कभी भी दो वर्ड्स को दोबारा से मत बोलना, शियाओ, यहाँ तक कि अपने सपनों में भी इसका नाम मत लेना, क्योंकि शियाओ नाम जो है उसी ने 9 एम्पायर्स को एक साथ मिलाकर एक बड़ा सेंट्रल एम्पायर बनाया है और महारानी का नाम डायरेक्टली बोलना काफी ज्यादा खराब है, अगर किसी ने तुम्हें इनका नाम लेते हुए सुन लिया तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। रोचन इस बात को सुनकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी इसका नाम दोबारा नहीं लूंगा। रोचन अपनी आंखें बंद करता है एंड खुद से कहता है, आज के बाद मैं उसका सबसे बुरा सपना बनूंगा। अब रोचन ऐसा क्यों कहता है वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ लोकेशन नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मत नहीं।